हे व्हाट्सअप गाइज, कैसे हो आप सब। तो आ चुका हूँ फिर से एक न्यू वीडियो लेकर। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों, और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है आपको हॉटस्पॉट ऑन करने में, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बिल्कुल आसानी से हॉटस्पॉट को ऑन कर सकते हो। और इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दोस्तों इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आपके पास एक कोई भी फ़ोन है, चाहे जो भी फ़ोन हो, या रियलमी का हो, या फिर रेडमी का हो, या वन प्लस का हो, सैमसंग का हो, दोस्तों कोई भी फ़ोन हो, अगर आप अपने फ़ोन में इंटरनेट चलाते हैं और उस इंटरनेट को दोस्तों आप हॉटस्पॉट के थ्रू दूसरे फ़ोन में भी इंटरनेट को कनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपको दिक्कत ये आ रही है दोस्तों कि आपके फ़ोन का जो हॉटस्पॉट है दोस्तों, वो इनेबल नहीं हो पा रहा है, वो ऑन नहीं हो पा रहा है, और आप काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में है दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट को आसानी से ऑन कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मेरे पास कल दो लोग आए थे दोस्तों, नया फ़ोन लिया था दोस्तों, उसका फ़ोन जो है वो वन प्लस का था, और क्योंकि उसमें जो है हॉटस्पॉट ऑन नहीं हो रहा था। फिर मैंने दोस्तों ये प्रॉब्लम देखा तो मुझे पता चला कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और किसके कारण इसका हॉटस्पॉट ऑन नहीं हो रहा है। ये दोस्तों वन प्लस का न्यू फ़ोन लिया था दोस्तों, और दो लोग इसको चेक कर चुके थे, दो लोगों से ऑन नहीं हो रहा था, इसलिए मैं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया दोस्तों, और सोचा कि आप लोगों को भी बताऊँ ताकि आप लोगों को भी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, तो चलिए मैं दोस्तों यहाँ पर सेटिंग ऑन करता हूँ, ठीक है, और जाता हूँ अपने कनेक्शन सेटिंग में। और सेटिंग में जाने के बाद मैं यहाँ पर देखिए दोस्तों हॉटस्पॉट का एक ऑप्शन है, हॉटस्पॉट को ऑन करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए ये हॉटस्पॉट है, ये इस पर मैं जितना भी क्लिक कर रहा हूँ दोस्तों, ये ऑन नहीं हो रहा है। तो हो सकता है आपके साथ भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आता होगा। अब दोस्तों यहीं अगर मैं ऊपर से स्लाइड करूँ दोस्तों, ठीक है, और यहाँ पर देखिए दोस्तों नीचे में हॉटस्पॉट का एक ऑप्शन है, तो इस पर मैं जितना भी क्लिक करूँ देखो दोस्तों, यहाँ पर हॉटस्पॉट ऑन नहीं हो रहा है। तो हो सकता है दोस्तों कि आप लोग के साथ भी ये प्रॉब्लम आ रहा होगा और हॉटस्पॉट ऑन नहीं हो रहा होगा। तो आखिर इसका क्या सॉल्यूशन है, तो चलिए दोस्तों बताता हूं कि क्या सॉल्यूशन है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, जान लीजिए कि इसका सॉल्यूशन क्या है और क्यों आपसे हॉटस्पॉट ऑन नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना मोबाइल का जो डेटा है दोस्तों, इंटरनेट को ऑन कर लेना है। इंटरनेट जैसे ही ऑन करेंगे दोस्तों, तो अब आप दोस्तों हॉटस्पॉट ऑन करोगे तो ये नहीं होगा। इसका सबसे बड़ा कारण है कि आप अपने मोबाइल में डाटा सेवर जो ऑप्शन होता है उसको आपने ऑन करके रखा है। दोस्तों अगर आप डाटा सेवर को ऑन करके रखोगे तो आपका हॉटस्पॉट कभी भी इनेबल नहीं होगा, चाहे वो कोई भी फ़ोन हो दोस्तों, रियलमी हो, वन प्लस हो, नोकिया हो, या फिर सैमसंग हो, या फिर रेडमी हो, कोई भी फ़ोन में अगर आपने डाटा सेवर ऑन करके रखा है तो आपका हॉटस्पॉट ऑन नहीं होगा। अब दोस्तों डाटा सेवर साउंड, ब्लूटूथ, ऑटो, इसी में आपका डाटा सेविंग रहता है, तो आप जैसे स्लाइड करेंगे दोस्तों कहीं ना कहीं आपका डाटा सेविंग का ऑप्शन होगा। और अगर आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, यहां पर देखिए मोबाइल डेटा का ऑप्शन आपके सामने जरूर होगा, तो मोबाइल डेटा के ऊपर दोस्तों यहां पर आपको लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस जैसे ही करेंगे दोस्तों, यहां पर देखिए आपको एक डेटा सेवर का ऑप्शन आ जाएगा। तो अगर आप डेटा सेवर पे क्लिक करते हो और क्लिक करते हो तो देखिए दोस्तों ये आपका इनेबल है। तो अगर आप इसको दोस्तों डिसेबल कर देते हो, यहाँ से ऑफ कर देते हो, तभी आपका हॉटस्पॉट ऑन होगा, वरना नहीं होगा। तो दोस्तों चलिए अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, देखिए ये डाटा सेवर को ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। ऑफ जैसे ही किया दोस्तों और उसके बाद बैक किया, तो बैक करने के बाद दोस्तों अब आप यहाँ पर फिर से हॉटस्पॉट ऑन करोगे तो ये देखिए आसानी से ऑन हो जाएगा। और दोस्तों देखिए यहाँ पर मैं अभी आपको क्लिप करके दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर हॉटस्पॉट जो है, यहाँ पर देखिए आसानी से आप ऑन ऑफ कर सकते हो, जितनी बार चाहे उतनी बार आप दोस्तों यहाँ पे अपने हॉटस्पॉट को ऑन कर सकते हो। लेकिन यहीं पे दोस्तों अगर आप फिर से डेटा सेवर को ऑन कर दोगे तो आपका जो है यहाँ पर फिर से जो है हॉटस्पॉट ऑन नहीं होगा। तो देखिए मैं यहाँ पर फिर से जो डेटा सेवर यहाँ पे ऑन कर देता हूँ दोस्तों, और जैसे ही ऑन किया, ऑन करने के बाद दोस्तों अब मैं यहाँ पर अगर हॉटस्पॉट फिर से ऑन करूँगा तो ये देखिए हॉटस्पॉट ऑन नहीं होगा। और यहाँ पर लिखा आ रहा है, देखिए मोबाइल हॉटस्पॉट व्हील डाटा सेवर इज ऑन, मतलब यहाँ पर जब भी आपका डाटा सेवर ऑन रहेगा दोस्तों, मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन नहीं होगा। तो आप ये चीज़ दोस्तों ध्यान में रखिए, जब भी आपका हॉटस्पॉट ऑन नहीं होगा तो आपको क्या करना है, सेटिंग में जाना है,
मोबाइल के सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों आपको कनेक्शन सेटिंग में जाना है, और कनेक्शन सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर दोस्तों देखिए डाटा यूसेज का एक ऑप्शन है, तो डाटा यूसेज पे जाइए और वहाँ पे देखिए एक डाटा सेवर का ऑप्शन है दोस्तों। डाटा सेवर पे जैसे ही ऑन करेंगे दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा इस तरह का ऑप्शन, और इसको ऑफ कर दीजिए। इसको जैसे ही ऑफ करेंगे, ऑफ करने के बाद दोस्तों आपका जो है मोबाइल का हॉटस्पॉट जो है वो अब इनेबल हो जाएगा, चाहे जो भी मोबाइल हो दोस्तों। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काम की होगी दोस्तों। मिलता हूँ अगले वीडियो में, अब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।